हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल नौशीन खान कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले रेड कलर का बटन होगा बिल्कुल फ्री है पास में बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कर दे ताकि मैं वीडियो डालूँ और नोटिफिकेशन सिर्फ आपके पास आए एंड ऑल्सो गाइज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो मेरी आई है नौशीन थ्री एटी वन और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज बेसिकली ये जो वीडियो है ये एक कॉम्पैक्ट जन वीडियो है विथ फोर एवर फिफ्टी टू फाउंडेशन एंड फोर एवर फिफ्टी टू प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा फाउंडेशन के बारे में सो so, ये कंपैरिजन वीडियो होने वाला है इन दोनों का सो so, मैं ये वीडियो बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्या आप भी देखने के लिए एक्साइटेड है अगर एक्साइटेड है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो सो so, गाइस सबसे पहले मैं फोर एवर फिफ्टी टू फाउंडेशन के बारे में बात करूंगी और ये ब्रांड अभी बहुत रिसेंटली बहुत अच्छे से दिख रहा है सभी जगह क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत लोग पसंद कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि उन्हें एक कॉम्पेरिशन वीडियो बनाकर देखा जाए कि दोनों में से कौन सा जो फाउंडेशन है वो बेस्ट है प्राइस वाइज यू नो क्वांटिटी वाइज एंड टेक्सचर वाइज कि कौन सा फाउंडेशन uh, ज़्यादा बेटर है uh, ठीक है तो ये आपको वीडियो के एंड में, में मैं बता सकती हूँ या वीडियो के बीच में ही बता सकती हूँ तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना है सर बेसिकली हम इसकी बात करें तो ये जो है ये इस थर्टी एम का पैक आता है और ये ग्लास बॉटल में है विथ पम्प make पंप जो दे रहा है ये हाइजीन मेंटेन कर रहा है अगर आप देखें क्योंकि अगर हमारे पास कोई पंप वाला फाउंडेशन नहीं होता तो वो बिल्कुल मैस हो जाता है और पंप से बिल्कुल इजीली हम अपना जो फ़ाउंडेशन है जितने अमाउंट हमको चाहिए होता है उतना अमाउंट मिलता है तो पंप रहने से ईजी हो जाता है एंड इसका जो प्राइज़ है मैं आपको ओवरऑल कहूँगी ये सेवन हंड्रेड का आता है ओवरऑल uh, आपको डिस्काउंट में कुछ सिक्स या फिफ्टी थ्री में आपको ये मिल जाएगा एंड ये आपको मैं बताऊँ ये बहुत अच्छा कवरेज प्रोवाइड करता है ऐसा ये क्लेम करता है ये क्लेम करता है कि फुल कवरेज प्रोवाइड करता है एंड uh, ये एक मैट फाउंडेशन है गाइस एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी मैं कहूँगी ये नॉर्मल है ना ज़्यादा रनी है ना ज़्यादा थिक है Uh, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है नॉर्मल कंसिस्टेंसी है इसकी जैसे मेबलिन फिटमी फाउंडेशन हम यूज़ करते हैं सेम एज़ इट इज़ मुझे ऐसे ही लगा और अगर आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज आपको नहीं प्रोवाइड करता ये नॉर्मल कर, मतलब कवरेज में नहीं कहूँगी ये हैवी नहीं लगता आपके फेस पे ठीक है जब आप कोई फाउंडेशन ऐसा होता है कि हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे फेस पे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हीवी हैवी हो गया है बट ये लाइट वेट है सोया so, yeah, इसका जो uh, टेक्सचर है वो बहुत लाइट वेट है ऐसा लगेगा नहीं कि हमने फेस पे कुछ लगाया हुआ है एंड ये एक वाटर प्रूफ फाउंडेशन है और ये क्लेम करता है कि ये फुल कवरेज है बट मैं आपको ये बताऊँ तो ये मुझे मीडियम टू हाई कवरेज लगता है अगर आपकी ज़्यादा ब्लिमिश है एंड डार्क स्पॉट्स है तो ये आपको मीडियम कवरेज देगा और आपकी जो स्किन है वो बहुत ही स्मूथ है एंड बिल्कुल ज़्यादा दाग धब्बे नहीं है तो ये आपको हाई कवरेज दे सकता है ओके okay? देगा आई मीन सो यागाइज़ ये थी इस फाउंडेशन की जो बातें थी मैंने आपके साथ वो शेयर की है अब चलिए हम उसकी उसका देख लेते हैं कि उसके इसमें इससे ज़्यादा बेटर है या दोनों सेम है तो चलिए अब हम फॉर एवर फिफ्टी टू प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं प्राइज इसके बारे में आपको बता दूँ ये फॉर एवर फिफ्टी टू प्रोआर्टिस फाउंडेशन है अल्ट्रा डिफिनेशन प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन है तो मैं आपको बता दूँ ये जो फाउंडेशन है ये भी ग्लास बॉटल में आता है एंड इसमें भी पंप इंक्लूड है ओके okay, तो बहुत ही इजी है मैं जैसे मैंने फॉर ए फिफ्टी में कहा आ, उसमें इजी हो जाता है हाइजीन मेंटेन रहता है तो सेम आ, ये भी जो इसकी प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी इसमें भी आ, आपको एक पंप मिलता है और ये ग्लास बॉटल का है एंड इसकी जो पैकेजिंग है वो आपको दिखी रही है एंड बहुत ही क्लासी पैकेजिंग है ये एक लंबे बॉटल में आता है एंड इसके जो ऊपर का मैं आपको कहूँगी कार्डबोर्ड पैकेजिंग है और ब्लैक कलर की बहुत ही खूबसूरत सी इसकी पैकेज जैसे कि आपको दिख रहा है सो so uh, मैं आपको एक चीज बता दूं मैंने फोर एफ फिफ्टी टू फाउंडेशन का शेड गाइड किया हुआ है अपने चार पर अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा फाउंडेशन आप अपने स्किन टोन और अंडर टोन से मैच करके ले सकते हो तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा और मैंने फॉर एवर फिफ़्टी टू प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन का भी शेड गाइड किया हुआ है स्किन टोन और अंडर टोन के हिसाब से हमें कौन सा फाउंडेशन अपने लिए चूज़ करना चाहिए तो इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूँगी अगर आपको फाउंडेशन लेना है तो शेड गाइड वीडियो देखे बिना मत लीजिएगा सो so गाइज अब इसके बारे में हम बात करते हैं इसका जो प्राइस है वो आपको चौदह से पंद्रह सौ तक के अंदर में मिल जाएगा फोर्टीन हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड तक में आपको ये फाउंडेशन मिल जाएगा एंड ये आपको 60 एम का प्रोडक्ट इसमें रहेगा और मैं आपको बता दूं इसकी जो क्वांटिटी है वो 60 एम की रहेगी ये आपको एक मैट फिनिश देता है ठीक है ये ऑल स्किन टाइप है ये क्लेम करता है एंड ये आपको हाई पिगमेंट फुल कवरेज यू नो कवरेज देगा और लॉन्ग uh, लास्टिंग रहेगा 24 फोर आवर्स वेयर फार्मूला है इसका एंड ये भी मैं ये फाउंडेशन भी लाइट वेट है एंड वाटर प्रूफ है सेट प्रूफ है ये सारा कुछ ये क्लेम करता है ठीक है और ये डर डरमोटोलॉजिकल टेस्टेड भी है सो प्लस पॉइंट ये है कि ये डर्मोटोलॉजिकल टेस्टेड है तो ये बहुत अच्छी बात है गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ये प्रोवाइड करता है कि फुल कवरेज और दोनों ही प्रोवाइड करते हैं कि फुल फुल कवरेज आ, देता है बट मैं आपको कहूँगी ये भी मीडियम कवरेज आपको प्रोवाइड करता है नॉट सो फुल कवरेज मैं आपको कहूँगी जैसे मैंने उसमें कहा अगर आपके ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो आपको मीडियम कवरेज मिलेगा अगर आपको नॉर्मल स्किन है बहुत ज़्यादा दाग धब्बे नहीं है पिगमेंटेशन नहीं है ज़्यादा तो ये आपको हाई कवरेज देगा ठीक है तो अब बात हो गई इसकी जो पैकेजिंग है एंड इसका जो काम है जो ये क्लेम करता है मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है एंड मैं आपको बता दूँ ये वाटर प्रूफ है गैस yes, गाइस ये वाटर प्रूफ फाउंडेशन है बट इसका प्राइस के हिसाब से अगर ये इसके काम को मैं देखूँ वो सेवन हंड्रेड है एंड ये चौदह से पंद्रह सौ मतलब हाफ़ एंड हाफ़ का फ़र्क है प्राइस uh, में देखें तो uh, बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों ही फाउंडेशन में बट अगर मैं आपको कहूँगी कि मेकअप आर्टिस्ट ऐसे यूज़ करेंगे या नहीं तो मैं मेकअप मैं कह सकती हूँ कि आप मेकअप आर्टिस्ट ऐसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो आप ये फ़ाउंडेशन लें बट आपको बहुत अच्छे से अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करना पड़ेगा गाइस क्योंकि ये मैट फाउंडेशन है जैसे कि ये क्लेम कर रहा है एंड मैं आपको बता दूँ दोनों ही फाउंडेशन यू नो मीडियम टू हाई कवरेज आपको प्रोवाइड करते हैं सो uh, so मुझे दोनों ही फाउंडेशन बहुत 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 ज़्यादा अच्छे लगे एंड मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी अगर आपकी ड्राई स्किन है अगर आप ये फ़ाउंडेशन लेने वाले हो तो प्लीज़ अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के बाद ही इसे अप्लाई करें सो so अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि दोनों में से कौन सा फ़ाउंडेशन है जो बेस्ट है ऐसे मुझे दोनों ही बेस्ट लगा बट मैं आपको एक चीज़ कहूँगी प्राइस वाइज़ अगर मैं देखूँ तो मुझे फ़ॉर एवर फिफ्टी टू फाउंडेशन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सेवन हंड्रेड की प्राइज़ है और मोस्टली दोनों का काम जो है वो सेम ही है ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के काम में तो दोनों ही वेल एंड गुड है मैं आपको ये कहूँगी दोनों ही फाउंडेशन अच्छे हैं आप दोनों में से कोई भी फाउंडेशन लेना चाहे तो आप ले सकते हैं बट फॉर एवर फिफ्टी टू जो फाउंडेशन है उसका प्राइस के हिसाब से एंड मैं उसका टेक्स्चर के हिसाब से कहूँगी कि मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हमें थोड़े कम पैसे में बहुत अच्छा फाउंडेशन मिल रहा है गाइज एंड अगर आप थोड़ा एक्सपेंसिव में जाना चाहते हो तो डेफ़िनेटली आप वो फाउंडेशन भी ट्राई कर सकते हो दोनों ही फ़ाउंडेशन बहुत अच्छे हैं बट अगर आपको आपका बजट कम है तो आप फॉर एवर फाउंडेशन ट्राई करें और अगर आपका बजट ज़्यादा है देना आप फॉर एवर फिफ्टी टू प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन ट्राई कर सकते हैं दोनों ही फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं कवरेज मैं कहूँगी मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा सा ज़्यादा है फॉर एवर फिफ़्टी टू से इसका जो प्रो आर्टिस्ट है उसका कवरेज थोड़ा सा ज़्यादा है एंड या गाइज ये थी मेरी रिव्यू आई होप आपको पसंद आई हो अगर आप आ, दोनों में से कोई भी फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो आपके बजट के हिसाब से आप दोनों में से कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं दोनों ही बहुत अच्छा है तो मेरी तरफ से अल... से फुल हाँ है दोनों ही फाउंडेशन आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज एंड मेरे चैनल पे इस तरीके की वीडियोस आती रहती है सो या अगर आपको कोई कोई रिक्वेस्टेड वीडियोस बनवानी है तो आप मुझे इसके लिए कमेंट डाउन कर सकते हैं मैं आपके लिए वो वीडियो प्रिपेयर कर दूंगी एंड ऑल्सो गाइस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा तो या दोनों ही अपने अपनी जगह बहुत अच्छा है तो दोनों में से जो भी फाउंडेशन आप लेना चाहें आप ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से सो so, या ये थी मेरी छोटी सी रिव्यू उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा बाय